क्या लिखा जाएगा? वॉल्यूम को वन, वॉल्यूम इज स्पेस इन वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम है एनटीपी। ठीक है, गैसेस के लिए वॉल्यूम जो है डेसीमीटर, 1 लीटर ठीक बराबर 10 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10^-3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखा 1 लीटर डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ इसके बराबर होगा और वन मोल ऑफ गैस जो है ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर, वन मोल ऑफ ए गैस ये ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी। ठीक, एनटीपी क्या होता है? गैस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है 0°C। ठीक, प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर। ठीक, और वॉल्यूम है 22.4 मीटर का 1 मोल। ठीक है, या टीपी पर 1 मोल गैस मतलब हाइड्रोजन है 2 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 और नाइट्रोजन है आपकी 28, अमोनिया है 14, 3, 17। तो जितनी भी गैसें हैं या टीपी पे वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी 22.4 मीटर पर, लेकिन टेम्परेचर 0°C और प्रेशर 1 एटमॉस्फियर मतलब कितना आएगा 101.3 बार या पास्कल। समझ में आया? दूसरा आपके अंदर चलता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर का एसटीपी, दूसरा है स्टैंडर्ड एम्बाइंड टेम्परेचर या सेटीपी। यस क्या है? स्टैंडर्ड ए से एम्बाइंड मतलब सराउंडिंग, एम्बाइंड टी से है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, स्टैंडर्ड एम्बाइंड टेम्परेचर क्या रखा है? यहां 25°C है। टेम्परेचर क्या है? 25 या 298 केल्विन है। और प्रेशर क्या है? 10^5 पास्कल या 10^5 bar। ठीक, 10^5 bar मतलब 1 bar। ठीक है, 10^5 bar। ठीक है, तो यहां हमने प्रेशर क्या रखा है? 10^5 bar मतलब 1 एटीएम नहीं 1 bar। ठीक है, तो यहां से क्या रखेंगे? 1 एटमॉस्फियर की बजाय 10^5 पास्कल। ठीक, 1 bar रखेंगे। और आपका जो अमाउंट वॉल्यूम है यह है 27.4 लीटर। तो यहां प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो 22 से बढ़कर हो गया अमाउंट 27.4। ठीक है, तो यहां हम कहते हैं चेंज हो गई वैल्यू। तो नेक्स्ट अब हम आगे चार स्लॉ क्या है? यहां प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर 3 वेरिएबल है। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट हैपन? वॉल्यूम चेंजेस। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन व्हाट हैपन? वॉल्यूम चेंजेस। तो यहां क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर।
constant pressure. Mathematically, V is directly proportional to K to T. ठीक है? मतलब वहाँ K वाले constant था, यहाँ K to constant. Where K to is constant, whose value depends upon nature of gas, and moles of gas. कितना moles of? Mole क्या है? Chemistry amount है. It is the amount of substance which is represented by the figure 6.02 into 10 to the power 23 particles. तो यहाँ constant के लिए depend कर दिया. अब यहाँ V upon T बराबर K2 constant हो गया. अब यहाँ ये लिख सकते हैं यहाँ V upon T मतलब वॉल्यूम जो आपका बढ़ाया गया. तो यहाँ क्या है V1 upon T1 बराबर V2 upon T2. ठीक V1 upon T1 at constant pressure पे पहली स्टेट है इनिशियल और जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 तो V1 upon हो गया V2 upon T2. अब इसको सिंपलीफाई क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे V1 upon V2 बराबर T2 upon यहाँ क्या बन जाएगा V1 upon V2. तो यहाँ क्या है V2 जो है ऐसा है V1 ज्यादा है यहाँ T1 ऐसा है T2. तो यहाँ क्या लिखेंगे V2 upon V1 बराबर T2 upon T1. ठीक तो V1 upon V2 तो यहाँ हम टेम्परेचर के लिए दूसरा ग्राफ बनाएंगे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन. तो अब हम चार सवालों के कंप्लीट फॉर्म में क्या देखेंगे इन्होंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर. ये रहा वॉल्यूम ये रहा टेंपरेचर. ठीक वॉल्यूम टेंपरेचर तो यहां हमने देखा टेंपरेचर जैसे बढ़ाया यहां वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन. ठीक है वॉल्यूम जो है इनका बढ़ता चला गया V upon T. तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम चेंज है. एज वी सी दैट चार्ल्स लॉ डिस्क्राइब दैट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज एंड देयर बाय द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस मींस hotter air has lower density and it rises upward. This principle is used in meteorological operation for filling the hot air in the balloon so that balloon go upward in the atmosphere to study the temperature and temperature changes about and forecasting the weather condition. So, when we describe the chance of बेसिक फोकस है व्हेन वी डिस्क्राइब व्हेन वी टेम्परेचर यहाँ आपका टेम्परेचर है यहाँ आपका वॉल्यूम एक्सिस है यहाँ पर टेम्परेचर देखा कि आपका माइनस 300 डिग्री सेल्सियस है यहाँ आपका माइनस 273 डिग्री यहाँ आपका 200 यहाँ आपका माइनस 100 यहाँ आपका 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपका 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक तो यहां देखा कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपके सामने एक वेरियस आपके सामने ढेर सारे कुछ आइसोथर्म्स एक ग्राफ ये ग्राफ यहाँ P1, P2, P3, P4 ठीक है यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट है और ये आइसोबार्स है मतलब व्हेन प्रेशर सर आइसोबार मतलब व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट P1, P2, P3 एंड P4 आइसोबार्स. ठीक मतलब व्हेन प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट P1 यहाँ क्या है P1 is greater than P4 is greater than P3 and P4. यहाँ P4 सबसे ज्यादा है P3 कम P2 and P1. ठीक तो यहाँ देखते हैं when T increase the temperature
temperature, we see that pressure of a given mass of a gas varies depending upon the pressure condition. Constant pressure का मतलब आपने pressure बढ़ा दिया, volume का यहाँ देखिए ratio कम हो गया, pressure कम रखा तो volume इसका बढ़ गया. यहाँ पे क्या बताया, when we decrease the temperature of a near gas which are subjected at different pressure range P1, P2, P3, P4. Here P1 is lowest and P4 is maximum. When we decrease the pressure of the near gas, we see that it does not reach the zero volume. Here volume आपका zero है, zero volume. कोई भी line है, straight line which is obtained, they get converged at minus 273 before reaching zero. Means all gases which are subjected at different pressure range P1, P3, P4, when the temperature is lower to concentrated, this is 100, 0, minus 100, minus 200, means all gases cease to exist and they get liquefied and they are reduced to zero volume, and they does not reach on zero volume, but they have some volume. यहाँ देखें zero volume है, यहाँ zero volume minus 300 degree से पहले उनका volume zero हो जा रहा है. यहाँ ये जो conical point यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या पाते हैं? As the gases are subjected to very low temperature, they have zero volume before they reach to minus 273. यहाँ जो dot line है They are converted into liquid from gases in liquid state, they are changed and they have zero volume at this temperature. So the final answer is Charles law give good result when pressure is low and temperature is high. मतलब pressure जो है low होना चाहिए and temperature is high. मतलब pressure high, temperature भी high. तो चार्ल्स लॉ में जो स्ट्रेट लाइन मिली उसका वो उतनी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. जैसा हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर में ये जो लीनियर लाइन कैसे मिली, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब प्रेशर बहुत कम रहा, मतलब चार्ल्स लॉ गिव गुड रिजल्ट व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई. मतलब अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई कर दिया तो स्ट्रेट लाइन में मिलना असंभव हो जाएगा. तो व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ डिफाइंस दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज. सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट द लास्ट लॉ इज गैलुसेन लॉ. The third law we are going to describe is Galvanism.